अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, डेट है आज 19 फरवरी 2024। टाइम हो चुका है 5:10। 127 अपमियर एक्सप्रेस सनावा से पिछले स्टेशन गुरमानी से चल रही है, तो अभी कुछ ही लम्हात में सनावा स्टेशन पे अरेवल करेगी। और आज इसके साथ लोकोमोटिव है HP20 सीरीज़ में, नंबर मुझे पता नहीं है कंफर्म, तो देखते हैं फिर 127 आपका अरेवल और डिपार्चर सनावा रेलवे स्टेशन से, और देखते हैं कि इसके साथ आज कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो जैसा कि पाकिस्तान रेलवे को हमेशा यानी कि सालाना जो है ना खसारा आता है, यानी पाकिस्तान रेलवे जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है तो नुकसान में जा रही है। यानी हर साल जब वो महाना यानी कि आमदनी निकाली जाती है हर डिपार्टमेंट की, तो पाकिस्तान रेलवे जो है हमेशा ये घाटे में होता है। तो इसकी वजह कुछ काफ़ी सारी वजूहात हैं, यानी जिस तरह अब जैसे मोटी मिसाल आपको दूं, तो जो घाटा है वो ट्रेनों से ही आता है साफ ज़ाहिर है। तो इसमें जो अब पहली मिसाल आपको मैं अपने सेक्शन की दूं, यानी ब्रांच लाइन सेक्शन पर जो थाला एक्सप्रेस चल रही है, तो ये तकरीबन डेली का जो थाला एक्सप्रेस का इंजन है ये तकरीबन 6 लाख रुपये का डीज़ल पी जाता है, 6-7 लाख का। तो ख़ुद आप इमेजन करें कि 6-7 लाख गाड़ी डेली का कमाती है। तो ये तो एक यानी कि शटल ट्रेन है, छोटे लेवल की ट्रेन है, ब्रांच लाइन पर चलने वाली 8 कोचेज़ वाली।
इसका रूट भी इतना, यानी कि रावलपिंडी से मुल्तान इतना ख़ास रूट नहीं है, ठीक है। तो ये जब इतना डेली का नुकसान कर रही है, यानी कि अब 2 लाख की इसकी आमदनी भी होती हो, 5 लाख 7 लाख का डीज़ल लगता है, तो 5-6 लाख रुपए का डेली का जो है ना इससे नुकसान हो रहा है एक आम सी ट्रेन को, ठीक है। बाकी ये जो ब्रांच मेन लाइन की ट्रेन है जैसे खैबर मेल, इनकी अभी बात नहीं हो रही। तो डेली का ये अब नुकसान आप लगाएं तो ये सालों में कितना हो जाता होगा। तो मेन बात यही है कि पाकिस्तान रेलवे के खसारे में मेन सबसे इसका किरदार जो है ये ट्रेनों का है, जो कि इतना ख़ास नहीं चल रही और इनको फिर भी चलाया जा रहा है। और काफ़ी सारी ट्रेनों में लोग जो है ना, जो सरकारी ट्रेन है उनमें बग़ैर टिकट के भी सफ़र करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रेलवे को नुकसान होता है इससे। अब थाला एक्सप्रेस में भी काफ़ी सारी शिकायत आई हैं, कुछ दिन पहले ही ग्रुप में एक भाई ने पोस्ट की है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो थाला एक्सप्रेस में बग़ैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं। आजकल ये मामूल बन गया है, यानी आधे सफ़र की टिकट लेते हैं, अगर उन्होंने सनावा से कुंदिया जाना मिसाल के तौर पर, तो वो टिकट लेते हैं जी सनावा से बखर की, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में बनती है 350 की, जबकि सनावा से कुंदिया का किराया मेरे ख्याल में 700 या 600 होगा, तो 250-300 वो जाना पाकिस्तान रेलवे के खाते में। तो वो जो 250-300 है वो पाकिस्तान रेलवे के खाते में, यानी कि घाटा, यानी मुसाफिर तो तोड़ पहुंच जाएगा सनावा से कुंदिया तक, तो टिकट भी उसने आधी ली हुई है। तो ये तो TC का काम है ना, तो उसको टिकट चेक करनी चाहिए बाकायदगी से, यानी एक दफ़ा चेक नहीं की कर सका तो दूसरी दफ़ा लाजमी चेक करनी चाहिए। तो अक्सर ये आजकल शिकायत आ रही है थाला एक्सप्रेस के हवाले से, काफ़ी सारे लोग जो हैं बग़ैर टिकट के भी सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं अब ये इनके साथ TC मिले हुए हैं, यानी वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं या क्या मसला है। बेचारी थाला एक्सप्रेस हमारे सेक्शन की ट्रेन को नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये जो लोग ये काम कर रहे हैं ना बग़ैर टिकट वाले, या आधे सफ़र की टिकट लेते हैं, और यानी जैसे मैंने आपको बताया सनावा से कुंदिया जाना तो बखर की टिकट ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ना ये प्राइवेट कंपनीज ही अच्छी हैं, ठीक है ना। तो सरकारी इनको सरकारी गाड़ी में ऐसे लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, इनको प्राइवेट वाले ही अच्छे हैं जो हर यानी कि 2 सेकंड के बाद 2 मिनट के बाद टिकट चेक करते हैं। और मैं जब मुल्तान से सनावा आया था तो रास्ते में मेरी 3 दफ़ा टिकट चेक हुई है, तो रास्ते में 3 दफ़ा टिकट चेक हुई है। तो प्राइवेट कंपनीज वाले जो है ना वो अपनी ट्रेन को घाटा नहीं आने देते, जबकि सरकारी जो है, अब इसमें आखिर साफ ज़ाहिर TC का भी कुछ रोल होता है ना, वो अगर बाकायदगी से टिकट चेक करे तो बग़ैर टिकट वाले कैसे पकड़े जाएंगे। लेकिन उनकी भी कमी कोताही है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी सारी यानी कि लोग उस वक्त कह रहे थे कल कि थाला एक्सप्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी लोग बग़ैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर प्राइवेट कंपनीज वाले ही अच्छे हैं, यानी वो जब डिंके की चोट पर टिकट भी लेते हैं, और अगर टिकट ना ली हुई हो तो जुर्माना भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो गाड़ी चल रही है इसको चलने दें, यानी टिकट लिया करें, और ये आधे सफ़र वाला काम भी ना किया करें, आधे सफ़र की टिकट लेते हैं आधे सफ़र की नहीं लेते, यानी रेलवे के यानी कि रेलवे को नाकाम बनाने के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, TC को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं बेचारे, वो कहाँ कहाँ पे टिकट चेक करें। तो लोगों को चाहिए कि ऐसा काम प्लीज़ ना किया करें, इसी वजह से फिर पाकिस्तान रेलवे को घाटा आता है, यानी कि खसारे आते हैं। यही कुछ ही वजूहात होती हैं, और भी वजूहात हैं काफ़ी, तो अभी बताने लगूँ तो फिर ये वीडियो घंटे की बन जाएगी। तो अभी 1-9 आपका अराइवल हो रहा है, 1-7 आपका, तो देखते हैं इसके साथ कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है, असलामा प्लेटफार्म से गाड़ी को देखेंगे। ये देखें लूप लाइन पे इतना ज़्यादा गैप आया हुआ है, मेरे ख्याल में तो अभी इधर गाड़ी नहीं ठहर सकती कोई भी, इधर गैप बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इधर गाड़ी डिरेल भी हो सकती है। ये देखें ना इतना सारा गैप, इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, बाकी रेलवे के ऑफिसर्स को पता कि इससे गाड़ी गुजर सकती है या नहीं, तो हम तो बस ऐसे ही वीडियो ही बना सकते हैं। तो देखते हैं फिर 1-7 आपका अराइवल डिपार्चर नाम वाले रिसेप्शन से। और ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी थाला एक्सप्रेस के बारे में, जिसमें लोग आजकल बग़ैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं जी। तो व्यूअर्स साहब 1-7 आपका अराइवल हो रहा है स्टेशन पर, 4 मिनट लेट हो चुकी है गाड़ी, उस वक्त 5:10 था, 5:22 हो चुके हैं, तो 5:18 राइट टाइम है सनावा का, वैसे कोटद तक गाड़ी जो है बिफोर टाइम हो जाएगी, क्योंकि सनावा से कोटद का रनिंग टाइम इसको 22 मिनट दिया गया है, जबकि गाड़ी 14 मिनट में सुकून से पहुंच सकती है।
लोकोमोटिव 30 है आज।